थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्रम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस ए के बारे में कि हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या है और इसकी कौन कौन सी कॉजेज हैं और इसके जो है वो सिम्टम्स वगैरह क्या है और किसको हम कैसे जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो जो हेपेटाइटिस जो है ये डिजीज है ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये कब जो है मतलब कि ये डिजीज होती है जब कोई भी पर्सन है अगर किसी पर्सन को जो है ये फीकल ओरल कंटेमिनेशन के थ्रू जो है ये मोस्टली तौर पर जो है वो ट्रांसमिट होती है। मतलब अगर किसी पर्सन को है तो वो आगे से अगर मतलब कि अपने हैंड वगैरह वॉश नहीं किए तो आगे से उसने किसी से अगर कॉन्टेक्ट वगैरह किया है तो उसको जो है ये जो है वो हेपेटाइटिस ए जो है वो हो सकता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जो यंग चिल्ड्रन जो बच्चे जब होते हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो हेपेटाइटिस ए वगैरह है तो आगे से मतलब जैसे उस फूड कंटेमिनेटेड अगर किसी दूसरे पर्सन ने कंटेमिनेटेड फूड जो है उसको यूज़ किया है या कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह है तो उसको जो है इसकी वजह से हो सकता है। तो यंग चिल्ड्रन में अगर देखा जाए जब स्टार्टिंग में होता है तो इनमें जो है वो सिम्टम्स जो है वो इतनी जल्दी जो है वो शो नहीं होते क्योंकि उनकी थोड़ी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है लेकिन जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती जाती है तो इसके सिम्टम्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफी सारे पर्सन जिनको हेपेटाइटिस ए होता है वो विद इस इन्फेक्शन जिनको ये इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ए का वो विद इन अ 2 मंथ जो है वो रिकवर हो जाते हैं लेकिन 10 से 15% ऐसी रेशो होती है जिनको जो है वो 5 से 6 महीने जो है वो लग जाते हैं इससे रिकवर होने के लिए। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये ऐसा है कि ये क्रोनिक जो है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता या इसको क्रोनिक लीवर डिजीज की ये जो है इसके रिजल्ट में जो है वो नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जो सेंटर है जो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका का जो सेंटर है डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन का और उसके अकॉर्डिंग और जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्री के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो बच्चा है इन दो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई बच्चा है अगर 12 से 23 मंथ का एज में अगर बच्चे को जो है वो अगर वैक्सीनेशन अगर किसी वल्नरेबल ग्रुप में जो है वो अगर किसी एरिया में जो है वो अगर ये डिजीज आ गई है हेपेटाइटिस ए वगैरह तो ऑब्वियसली वो लोग जब आगे से जो बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उनकी थोड़ी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें इसके चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जो है इन बच्चों 12 से जो 23 मंथ के बच्चे हैं अगर उनको जो है वो टाइम पे लगवा दी जाए तो इसके जो है चांसेस कम हो सकते हैं बच्चों में इस डिजीज के। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि इसकी जैसे कि मेन काज जो है हेपेटाइटिस क्या हो गया अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि 1995 की रिसर्चेस में ये था कि अगर जब ये मतलब कि हेपेटाइटिस ए वायरस आया था तो उसमें जब वैक्सीनेशन करवाई गई थी तो उसमें जो था 92% जो था ये डिजीज जो थी वो कम हो गई थी। 9 में जो है इस एस्टिमेटेड जो केस आए थे हेपेटाइटिस ए के वो 21,000 जो थे वो केस हुए जो थे आए थे और ओवरऑल ठीक है लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिनको जो डायग्नोज हुआ था ओवरऑल वर्ल्ड में 1.4 मिलियन केसेस जो थे इसके डेवलप हुए थे। नॉर्मल देखा जाए तो इसका मेन ये वायरस जो है वो शेड होता है स्टूल में बाद में प्राइमरी तौर पर ये स्प्रेड होता है फूड कंटेमिनेशन के थ्रू होता है विद द फीकल मैटर के थ्रू। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी और ये हेपेटाइटिस ए जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू या अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर किसी पर्सन का है तो आगे से जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो भी स्पेशली मैन से जो है वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं या कोई इलिटिक ड्रग वगैरह यूज कर रहा है तो उसको भी जो है इसमें इसके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अच्छा नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस जिन लोगों को होता है उसमें ये है कि इसके जो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं वो इस इन्फेक्शन की वजह होता है कि नोजिया होता है वॉमिटिंग होती है डायरिया हो जाता है उनको डार्क यूरिन होता है जॉइंडस होता है या जॉइंडस हम कहते हैं जरकान होता है। इसके इस सिचुएशन में जो है ऑब्वियसली बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है बॉडी की काफ़ी सारी इम्यूनिटी को जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो काम करना पड़ता है तो इस कंडीशन में जो है वो फीवर भी हो जाता है हेडेक भी होता है अनइंटेंशनली जो है वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल पेन भी जो है वो होती है। और इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो कि स्मोकिंग सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं उनकी भी डिजायर जो होती है वो कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स बाद यही आता है कि जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है उस टाइम जो मतलब कि स्टार्टिंग में जो है इतने इसके सिम्टम्स शो नहीं होते लेकिन जैसे डिजीज जो है वो थोड़ी क्रोन थोड़ी होती है सवेयर होती है तो फिर जाके इसके सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो अगर किसी पर्सन को जो है वो ये अगर हेपेटाइटिस ए हो गया है तो उसके लिए जो है वो हम इसकी कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं कैसे जो है हम इसको डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं।
नॉर्मली देखा जाए तो ये इसमें ये भी है कि हाइपेटाइटिस जो क्लिनिकल सस्पेक्शन जो है उसके जो देखा जाए इसके सिम्टम्स जो है वो तब भी बढ़ सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है वो रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह ले रहा है तो भी उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो यूज होते हैं या अनकुक्ड जो है वो कोई ये वो फूड वगैरह ले रहा है या कंटेमिनेटेड वाटर ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ रिसर्चेज में ये था कि ये शेलफिश को जो वजह से भी हो सकता है लेकिन ऐसा जो है वो नहीं है, ऐसा शेलफिश की वजह से जो है वो नहीं होता है, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट वगैरह कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका जो है वो यूज किया जाता है। जब हम इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री में जो है वो काफी सारे हम चीजों को डायग्नोज करते हैं कि कैसे पता चलता है, इसमें देखा जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन का क्या है इसका, इसकी इसके अलावा देखा जाता है कि पर्सन कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इस चीज को जो है वो उसको देखा जाता है। नॉर्मली तौर पे जब जिसके जो इसको हमने चेक करने के लिए जो है वो जो टेस्ट किया अगर कोई सिम्टम्स जैसे शो हो रहे हैं वो काफी सारे जो है जैसे मैंने बात की है लॉस जो भी एपेटाइट वगैरह इसी तरह हेडेक वगैरह, तो इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं जो इसकी लैब फाइंडिंग जो होती है उसमें हम टेस्ट करवाते हैं, दो तरह टेस्ट होते हैं, एक होता है इसमें सीरम ट्रांसमाइनेज टोटल एंड ड्रग बाइलिरुबिन वाला टेस्ट करवाया जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल वाला टेस्ट जो है इसमें करवाया जाता है। अमूमन इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो एलानिन सॉरी ट्रांसमाइनेज वाला जो होता है टेस्ट वो हाई होता है एज कम्पेयर टू एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज का लेवल, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है दोनों के दरमियान एटलीस्ट जो है वो होती है 500 से 5000 जो है वो तक वो होती है, तो ये जो है इसमें जो है वो आ जाता है। ओके सर इतना ही है बस। इसकी जो बेस्ट तो ये है कि इसके लिए जो है वो इम्यूनाइजेशन जो है वो करवाई जाती है, वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एम वाली जो है वो एंटीबॉडीज की जो है वो करवाई जाती है, और इसकी जो है हम इसकी डिटेक्शन जो है वो हम एंटीबॉडीज के थ्रू भी कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस की। सर हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है फातिमा हाजरा आपको आवाज आ रही है? अच्छा चलो जी, ठीक है आ मैं रही है नेक्स्ट आपकी टॉपिक स्टार्ट आवाज। कर अच्छा लेती चलो हूँ। ठीक है, सही आ रही है? हाँ सही है। चलो ठीक है सर।